यो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू नेक्स्ट व्लॉग्स। तो गाइस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक न्यू बढ़िया सी एक वीडियो। उस वीडियो में मैं आपको वीवो T1 5G एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन के बारे में एक पूरा का पूरा बढ़िया सा रिव्यू दूंगा और आपको एक अच्छी सी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो गाइस चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो गाइस जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हमारे फ़ोन की और देखते हैं हमें फ़ोन के साथ क्या क्या मिलता है। तो ये निकलता है सबसे पहले हमारा मोबाइल फ़ोन और इसी के साथ हमें मिलता है इसके साथ इसकी चार्जिंग ब्रिक और मिलती है हमें एक अच्छी क्वालिटी की USB केबल और इसके साथ मिलता है हमें एक सिम इजेक्टिंग टूल। और गाइस इसके साथ हमें मिलते हैं यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड वगैरह और इसके साथ हमें मिलता है एक बढ़िया सी क्वालिटी का एक TPU केस। ये थे हमारे कुछ कंटेंट्स फ़ोन के। तो गाइस जल्दी से हमारे फ़ोन को कर लेते हैं बूट और बात करते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बात करें गाइस हम हमारे फ़ोन के ऑन एंड फील की, तो यार ये हमारा फ़ोन बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आता है। ये हमारा फ़ोन इधर से ही फ्लैट है, इधर से ही फ्लैट है, इधर से भी फ्लैट है और इधर से भी फ्लैट है। ऐसी वीडियो देखते रहो, फिर मैं दिखाऊंगा हमारा एक न्यू फ्लैट। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो यार इस तरीके का हमारा फ़ोन आता है और स्टारलाइट ब्लैक कलर के डिज़ाइन के साथ हमारा ये फ़ोन आता है। पता नहीं इसको स्टारलाइट ब्लैक क्यों कहते हैं, स्टारलाइट ब्लू सा कलर आता है। बाकी तो इसमें शाइनिंग देखो यार, शाइनिंग जो आ रही है एक ब्लू से कलर की शाइनिंग आ रही है, ठीक है। और ये हमारा ऐसे रेक्टेंगुलर सा ये हमारा कैमरा डिज़ाइन दे रखा है इन्होंने फ़ोन में। दो कैमरे हैं और एक कैमरा इधर माइक्रो कैमरा दे रखा है और ये हमारी फ्लैश है। ये पूरा हमारा कैमरा सेटअप है और ये हमारे फ़ोन में आगे टेयर ड्रॉप नॉच दे रखी है इन्होंने और ये इस तरीके का हमारा सेटअप दिख रहा होगा आपको। तो ये हमारा फ़ोन ऐसा कुछ दिखता है जिसका इन एंड फील काफ़ी प्रीमियम सा ही लगता है। मतलब एक मीडियम सेगमेंट के हिसाब से अगर इस फ़ोन को देखा जाए तो ये फ़ोन हमारा आता है 20,000 से नीचे नीचे। उस हिसाब से इस फ़ोन का जो एक फ़ील आता है हाथ में काफ़ी अच्छा और प्रीमियम फील है। और बात कर रहे हैं अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसकी जो डिस्प्ले आती है वो 6.58 इंच की डिस्प्ले है। 120Hz की इसकी डिस्प्ले आती है हमारी। हालाँकि AMOLED नहीं है, IPC LCD डिस्प्ले है, बट फिर भी इसका जो एक व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा दे हुआ है इन्होंने। और बात करें ब्राइटनेस की, तो इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है मिड सेगमेंट के लिए अगर आपको परचेज करना है तो। और इसके अगर हम बात करें मेमोरी की, तो 128GB इसके अंदर मेमोरी दी हुई है और 6GB रैम है इसकी। और एक्सपेंडेबल रैम भी आजकल जैसे फ़ोनों में आ रही है, तो 4GB इसकी एक्सपेंडेबल रैम भी दी हुई है। और बात करें अगर हम इसके OS की, मतलब OS ही होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का है ना, तो OS और UI की बात करें तो इसका 12, इसमें शुरू में ही आपको अनबॉक्स करते टाइम इसको एंड्रॉयड 12 के साथ दिया हुआ है इन्होंने। टच OS इसका वो भी 12 दिया हुआ है इन्होंने, जो लेटेस्ट प्रोसेसिंग हो, जो लेटेस्ट इसका OS दिया हुआ है इन्होंने फ़ोन के अंदर। तो ये थी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस। और बात करें अगर हम इसकी बैटरी की, तो 5000mAh की इसकी बैटरी दी हुई है, काफ़ी अच्छी बैटरी दी हुई है इन्होंने। और 18W का हमारा इसका चार्जर है, चार्जिंग अच्छी खासी कर देता है। पर यार फिर भी अगर ये 17-18 हज़ार का फ़ोन ले रहे तो इनको कम से कम 30W की चार्जिंग तो देनी चाहिए थी। आजकल तो बहुत सस्ते सस्ते फ़ोनों में भी अच्छी खासी चार्जिंग आ रही है। और बात करें अगर हम इसकी सिम टूल की, तो यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है सिम लगाने के लिए, ड्यूअल सिम के साथ ही आता है। या तो आप ड्यूअल सिम लगा लो या फिर आप इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड सेटअप कर लो। और इसके साथ हमें यहाँ पर भी एक ब्लू कलर का रबड़ सा दिया हुआ है जिससे इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए, अगर गलती से अगर आप बारिश वगैरह में निकल जाते हैं तो थोड़ी बहुत स्प्लैशेस ही झेल लेगा। यहीं पे इसका एक ऊपर नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दिया हुआ है और एक माइक्रोफोन नीचे दिया हुआ है। Type-C का इसका चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पर एक मोनो स्पीकर दिया हुआ है जिसके साथ आपको काफ़ी अच्छी साउंड इसकी आ जाएगी। और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है इन्होंने 3.5mm जैक, क्योंकि फ़ोनों के अंदर से यार निकाल ही रहे हैं लगभग फिर भी, पर इन्होंने दिया हुआ है तो ये काफ़ी काम आता है।
ये था हमारा सारा फ़ोन का ओवरव्यू। तो गाइस अगर आपको और यार कैमरा का तो बताना भूल ही गया, जिसको लोग लेते ही फ़ोन में देखते हैं कैमरा सेटअप जो गाइस इसका दिया हुआ है 50 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का इसका डेप्थ कैमरा दिया हुआ और 2 मेगापिक्सल का इसका मेमोरी माइक्रो कैमरा दिया हुआ है। यार अरे कहना क्या चाहते हो, कोई फायदा है इन कैमरास का बताने का भी कोई फायदा गाइस मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि प्राइमरी कैमरा यूज होगा, 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे हैं ना है एक ही बराबर हो गए तो। और गाइस इसका जो सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का गाइस इसका सेल्फी कैमरा है। और वीवो के कैमरास यार जो सेल्फी कैमराज होते हैं वो काफ़ी अच्छे। ये था कुछ इस तरीके से इस फोन का ओवरव्यू और ये हमारे इसके साथ एक काफी अच्छी क्वालिटी का केस है। केस लगाने के बाद थोड़ा हैवी सा तो फील होता है, बट यार टूटने से तो बेहतर ये केस लगा। मिड रेंज कोई फोन लेगा तो ये तो है नहीं यार, गिरेगा टूटा और नया ले लिया, तो यार अपना केस लगाओ और फोन को थोड़ा सिक्योर करो। तो ये था हमारा कुछ इस तरीके से Vivo T1 का ओवरव्यू। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो में नीचे, चैनल को गाइस सब्सक्राइब करिए इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए, आपके लिए इसी तरीके से मैं एंटरटेनिंग वीडियोस लेता आऊँगा। और कुछ टाइम बाद यार मैं थोड़ा है ना म्यूजिक रिलेटेड वीडियोस भी इस अपने चैनल पे डालने वाला हूँ, ब्लॉग्स में। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, होप सो गाइस आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात अच्छा सब्सक्राइब मत करना, बस सब्सक्राइब है।